सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। माइक साथ ना भी दे, मुझे ये यकीन है कि आप सुन सकते हैं। और जितने भी कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ स्टेज पे, शाजी मुश्ताक साहब भी मौजूद है, मगर मैं खसूसन बैरिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। इनके अलावा जिन दोस्तों का मैं नाम ना दे सकूं या जिन अहदेदारों का, तो नाराज ना होइएगा मैं, क्योंकि आपके इस कुंभे में नया शामिल हुआ हूं, आप उनसे पुराने हैं और आप लीडरान हैं यहां पे, इसलिए उसको महसूस ना कीजिएगा। आज हम तारीख के एक बड़े अहम दौर से गुजर रहे हैं। यह दौर पाकिस्तान में हकीकी आजादी के ख्वाब की ताबीर की जद्दोजहद का दौर है। बहुत से नए दोस्त आपके साथ इस काफिले में मिलेंगे और मैं ये समझता हूं कि हर वो शख्स जो ऑलरेडी इस काफिले का मुसाफिर है, हर वो मुजाहिद जो इमरान खान के साथ बहुत अरसे से चल रहा है, मैं आज उसको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि आज के इस दौर में जब मुईशत ने लोगों की जिंदगी जो है वो अजियतनाक बना दी है, अपने कायद के लिए इस मुश्किल घड़ी में यहां पे आपका इकट्ठा होना ये पैगाम देता है इन तमाम कुव्वतों को जो इस पाकिस्तान को आजाद नहीं देखना चाहती, कि अगर तुमने इस आजादी के ख्वाब को चकनाचूर करने की कोशिश की तो तुम चकनाचूर हो जाओगे, मगर ये ख्वाब जरूर ताबीर होगा। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, ये जो दोस्त मेरे साथ मेरे सामने खड़े हैं, मुझे पता लगे कि आप एहतजाज में आए हैं, मैं यहां तालियों के लिए नहीं आया हूं, मुझे महसूस हो कि आप एहतजाज के लिए खड़े हैं, या ना हम कोई तस्वीरों के लिए खड़े हैं ना कोई वीडियोस के लिए खड़े हैं, ये मौका हमें मिलता है और मिलता रहेगा सारी जिंदगी। आज आप अपना जज्बा और बलबला दिखाने के लिए खड़े हैं और ये बलबला एक दूसरे को या कैमरे को नहीं, ये इन तमाम कुव्वतों को दिखाना है जो तुम्हारे कायद को गिरफ्तार करना चाहती है। मुझसे हाथ उठा के मुझे बताएं कि क्या आज आप इनको ये पैगाम दे सकेंगे कि आप वो जज्बा रखते हैं, उन्हें आवाज आनी चाहिए, आप आवाज उठा के कहें कि बिल्कुल पैगाम देंगे या नहीं देंगे। अरे भाई, आवाज उठाएं और बोले पैगाम देंगे या नहीं देंगे, क्या आप इन कुव्वतों को बताएंगे कि आप इनसे लड़ सकते हैं, लड़ेंगे या नहीं, इनके सामने दीवार बन के खड़े होंगे या नहीं होंगे, क्या इस हकीकी आजादी के काफिले का हिस्सा बनेंगे या नहीं, क्या हर कुर्बानी देने को तैयार हैं या नहीं है, क्या ये जो गुरूर के बुत आपके सामने खड़े हैं वो लीग की सूरत में, क्या ढंग से यह आवाज जाएगी कि कर लो जो करना है, हम खड़े हैं खान के साथ खड़े हैं, खान गिरफ्तार हो भी जाए खान का ख्वाब पूरा करेंगे और तुम्हें झूठा साबित करेंगे, इंशाल्लाह। उससे वादा करोगे इन्हें झूठा साबित करोगे, हाथ उठा के करो, ये जिन्होंने हाथ नहीं उठाए क्या इन्होंने वादा नहीं करना मुझसे, हाँ ऐसे वादा करो। मैं बैरिस्टर साहब आपको बताऊं कि जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया तो मैंने इमरान खान साहब का पहला दफ्तर यहां पे बनाया था, और जब मैं खान साहब को मिला जिस दिन मैं शामिल हुआ तो मैंने उन्हें याद कराया कि जिस दिन आप पहली दफा शादी के बाद पाकिस्तान वापस आए तो मैं आपके लिए वो सफेद सलवार कमीज लेके गया, क्योंकि खान साहब ने जीन्स और कोट पहना हुआ था, एंड आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ मैट्रिक समथिंग लाइक दिस। तो खान साहब बदल थे कि नहीं मैं जीन्स में ही बाहर जाऊंगा, और मैं बदलता कि नहीं हमें इलेक्शन लड़ना है आप शलवार के बीच में बात जाएगा, और हमने बड़ी मुश्किल से खान साहब को राजी किया और खान साहब ने फिर वो सफेद शलवार कमीज पहुंची, और इनामुल्ला नियाजी की रेड कलर की निसान पेट्रोल थी, और मैं लाहौर एयरपोर्ट से, याद रखिएगा, लाहौर एयरपोर्ट से उस गाड़ी के दरवाजे के साथ चिमट के जबान पार्क उनको छोड़ के आया, और छंग वालों ने, बैरिस्टर साहब उस वक्त आज शायद स्कूल में होंगे या पैदा नहीं हुए होंगे, छंग से मैं उस वक्त भी मैं तीन हाइस भर के अपने बुजुर्गों और अपने खानदान की ख्वाहिश के खिलाफ वो गाड़ियां वहां पे खान के इस्तकबाल के लिए लेके गया, और मजे
की बात यह है कि खान साहब को वो याद था, और फिर जब मैं पहली दफा एमएलए बना तो मेरा और खान साहब का कमरा आमने सामने था। खान साहब भी पहली दफा एमएलए बने और मैं भी पहली दफा एमएलए बना। मेरा कमरा नंबर H09 था और खान साहब का कमरा नंबर H08 था, और हम कई दफा इकट्ठे असेंबली में जाया करते थे। बहसीयत नौजवान बड़ा जज्बा था, बड़ा शौक था। फिर मैं तालीम के लिए बाहर चला गया। अल्लाह ताला ने मैंने जहां से अपना सियासी सफर शुरू किया था जिस कायद से, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि आज मैं दोबारा बहुत सी पार्टियों से होता हुआ आज वही अपनी मंजिल पे पहुंच गया जिस कायद से मैंने अपनी सियासत शुरू की। और मैं ये आपको बताऊं कि उस नस्ल का और हमारे वक्त का हर नौजवान, क्योंकि मैं तो खैर अभी भी अपने आप को नौजवान समझता हूं, वो आज भी ये चाहता है कि जिस कायद के लिए हम उस वक्त चले थे वो आज इस मुल्क का दोबारा राहबर बने। वो राहबर है, सिर्फ वजारत उज़्मा की सीट पे बैठने से कुछ नहीं होता। अब ये सारी दुनिया उसे रोकना चाहती है, और वो उसे नहीं रोकना चाहती, वो आपको रोकना चाहती है, वो आपकी तरक्की को रोकना चाहती है, वो आपके ख्वाब चकनाचूर करना चाहती है, वो आपके मुल्क की तरक्की जो है उसको वो नहीं देख सकते, इसलिए कि उनके स्टेटस को की कुवतें चैलेंज हो रही है। वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपके बच्चे अच्छे इदारों में पढ़े, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनके लिए तो बड़ी आसानी है इसलिए कि जुनेद सफदर भी ऑक्सफोर्ड में चला जाएगा, बड़ी आसानी है। मियां साहब भी इलाज करके लंदन चले जाएंगे, बड़ी आसानी है। वहां पे बिलावल जो है वो भी बाहर से पढ़ के आ जाएगा, बड़ी आसानी है। जिस वक्त जरदारी बीमार होगा तो वो भी लंदन चला जाएगा। अगर मरेंगे तो आपके और हमारे बच्चे यहाँ पे मरेंगे, अगर जलील होंगे तो यहाँ पे बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी के एजुकेशन सेंटर में हमारे बच्चे यहाँ पे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर सहूलतें नहीं होंगी तो हमारे लोगों के पास नहीं होगी। और सबसे बढ़ के ये चीजें भी शायद मैटर नहीं करती है कौम के लिए, अगर मैटर करती है तो ये हकीकी आजादी कि क्या हम गुलाम हैं तुम्हारे। क्या देखे, मैं नहीं रहना चाहता उस मुल्क में कि जहां मेरा बाप नवाज शरीफ का गुलाम और उसके बाद अब मैं नवाज शरीफ के बच्चों का गुलाम पैदा हूं यहां पर। जियो जियो, मैं नहीं रहूंगा ऐसे मुल्क में जहां मेरे और आपके मां बाप तो उस दौर में रहे जब जरदारी और उसकी हुकूमत थी और हम सब उन्हीं स्टेटस को की कुतों के साथ रहे। क्या आज मैं अपने बच्चों के लिए चाहूंगा कि वो बिलावल या मरियम जैसी ताकतों के असर में यहां पर इस मुल्क में रहे? तो मैं मुल्क छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, मेरा दिल करे या ना करे, मगर मैं लड़ूंगा जरूर। क्या आप भी लड़ेंगे अपने बच्चों के लिए? लड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये जो नाम निहाद बनाए गए लीडर हैं, ये लीडर बने नहीं गए हैं, इन्हें मार्केट किया गया है, इन्हें मार्केट किया गया है, ये लीडर बनाए गए हैं वक्तों के साथ कि मेरे बच्चे कहें कि हमारे मुल्क का वजीर आजम ये था, मेरे बच्चे उस दौर में रहे। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके बच्चे भी इनके दौर में ना रहे, बल्कि ये यहां पे ना रहे, आपके कायदीन रहे, वो लोग रहे जिन्होंने वो ख्वाब देखा जो ख्वाब आप भी देख रहे हैं, वो लोग इस मुल्क को लीड करें जो इस मुल्क को इस जहनी गुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं। और वो जहनी गुलामी क्या है कि जी आप हैं और आपने जो कह दिया वही होगा। पुलिस, अच्छा आप पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जब पहले दिन रैली लाहौर रोकी गई तो मैं जमान पार्क में था और लाहौर की पुलिस की हायर अथॉरिटीज की तरफ से मुझे पैगाम आया कि शेख साहब किसी तरीके से एक सेह तक हो जाए, हमने अपने जवानों ने हमें जवाब दे दिया है कि हम खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो इससे पहले कि ये इनसबॉर्डिनेशन हो और ये रिफ्यूजल हो और स्टेट के इदारे आपस में लड़ पड़े, खुदा के लिए कोई इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक एक्शन हो जाए तो हम यहां से वापस चले जाएंगे, पुलिस ने कहा। जो लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता कि वो किस जहनी गुलामी में है, मगर पुलिस का हर नौजवान जो है, हर बच्चा, हर नया लड़का, वो दिल से आपके साथ है। कोई अफसर आपके साथ हो या ना हो, कोई आईजी आपके साथ हो या ना हो, मगर ये जवान आपके साथ है। मुझे याद है कि जब हमने, आपको भी याद होगा, अभी नवाज फरमाना का इलेक्शन लड़ा और हम ऑपोजिशन में से हमदा शहबाज यहां पे चीफ मिनिस्टर थे और चार दिनों से मुख्य इलाकों से पुलिस आई
आपने देखा कि जब हम रात को रिजल्ट लेके गए तो एक एक पुलिस का नौजवान थकावट से चूर हमें विक्ट्री का निशान बना के कहता था कि आपको मुबारक हो, और पूरा दिन यही नौजवान जो हुकूमत के लिए ड्यूटी करने आए थे वो आपको दिल से फैसिलिटेट करते रहे हैं। हर पुलिस का नौजवान, हर पुलिस का यंग और ऐसा अफसर जो दिल से इस गुलामी से निजात चाहता है वो आपके साथ है। जो मजबूर है कोई बात नहीं है, मैं उन्हें भी कहूंगा कि इस जंग का हिस्सा न बने, आप जंगे आजादी करने वाले मुजाहिदों के साथ खड़े हो, आप ये गदर करने वालों के साथ ना खड़े हो। ये कौम के गद्दार हैं, ये कौम के बच्चों के गद्दार हैं, ये आपकी नस्लों को जवाब दे होंगे, आप भी अपने बच्चों को जवाब दे होंगे। तो आप इंतजार करें, जब आपको तहरीक इंसाफ की क्यादत कहती है कि हम 18 को पेश होंगे, जब वो कहते हैं कि हम खुद चले जाएंगे, तो ये खून रेजी का प्लान मत बनाए, ये कत्लो हालत का प्लान मत बनाए, ये दुश्मनियां पैदा ना करें। जो खराशें दिल में पैदा हो जाती हैं वो सदियों खत्म नहीं होती। नफरतों के बीज मत बोएं, क्योंकि नफरतों के बीज बोने से जो पौधे उठते हैं उस पर मोहब्बत के फूल नहीं लगेंगे। जिन बच्चों पे आज जुल्म करोगे, जिनके लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश करोगे, ये कई नस्लों तक तुम्हें नफरत की निगाह से देखेंगे। तुम हमारे मुहाफिज हो, तुम पुलिस वाले यहां पे खान की सिक्योरिटी जो वो मांग रहा है, अदालतों में खान की 10 दरखास्तें पड़ी है कि इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, मगर उस पर फैसला नहीं हो रहा है। अदालतों का भी इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में मैं जजेस से कहूंगा कि आपके भी बच्चे हैं, आप इन कौम के बच्चों के सामने सुरखरू हो जाए, इंसाफ के तकाजों को सामने रखे और ऐसा फैसला करे। सबका हक है। मरियम नवाज न एमएनए है, न मोहतरमा काउंसलर है, न मोहतरमा सेनेटर है, एक पार्टी का होता है, सिर्फ एक पार्टी का होता है, और उस पर उनको प्राइम मिनिस्टरियल प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, एक शख्स जिसकी पार्टी के एमएनए वहां पे मौजूद है, एक शख्स इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन और सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, उसकी जान को खतरा नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा है। उसको सिक्योरिटी देने के लिए अदालतें पेशियां दे रही है, मगर तुम्हें तो सिक्योरिटी देने के लिए किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपके तो चचा वजीर आजम है। जब आपका दिल करता है आप हुकूमत से प्रोटोकॉल लेने के लिए लड़ती हो जाती है, और जब शर्मिंदा होना होता है, तेल पड़ता है, बिजली पड़ती है, फिर आपका चचा से कोई ताल्लुक नहीं है, तो चाहे आपका चचा से कोई ताल्लुक हो या ना हो, मगर इस धरती से तो ताल्लुक है। आपको जवाब देना पड़ेगा हर बच्चे को इस जुल्म का जो आप आज खाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ये बात यहां पे खत्म करूंगा कि हर शहर में एहतजाज हो रहा है, गली गली एहतजाज हो रहा है, इस सादात पे मत जाएं, ये मत परेशान हो कि आज यहां कम लोग हैं, कहीं ज्यादा लोग हैं, वकास अकरम इतने लोग ले आया, बैरिस्टर इतने लोग ले आया, डजन बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये खामोश मुजाहिद घरों में बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, मेडिक्स हैं, पुलिस वाले हैं, टीचर प्रोफेसर हैं, किसी इदारे में आप चले जाए, नौजवान बच्चे हैं, 18 साल का वोटर मौजूद है, हो सकता है वो किसी वजह से आपका मेरे साथ खड़ा ना हो, मगर जब उसका हिस्सा डालने का वक्त आएगा तो वो साबित करेगा, वो बताएगा कि वो कितना ताकतवर मुजाहिद। ये लोग सियासी लोग हैं, ये बुलेट पे यकीन नहीं, बैलेट पे यकीन रखते हैं, और बैलेट की ऐसी चपेटें पड़ेंगी तुम लोगों को जब रब ने मौका दिया कि तुम्हें अपनी औकात याद आ जाए। इंशाल्लाह हम खान साहब, हम दुआ करेंगे कि खान साहब किसी भी मुसीबत से दोचार ना हो, और हम उनसे ज़ारी यकजहती भी करते हैं, हम शदीद एहतजाज करते हैं, हम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंसाफ का तराजू जो है उसको ऐसे तोलें कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, पाकिस्तान की 80% आबादी जो है उसके दिलों पे खंजर ना चलाएं, बल्कि ये कोशिश करें कि इसे दुआएं लें। इंशाल्लाह ताला खान साहब को अगर ये गिरफ्तार खुदा ना खास्ता कर भी लेते हैं, इससे आपके लीडर का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि ये उसे किसी जेल में बंद नहीं रख सकेंगे। इस गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो कई मुल्कों में दूर से नजर आएगा कि ये कायद है और ये लीडर है जिसको इस मुल्क की 13 जमातों ने इकट्ठे होकर कैद करने की कोशिश की, मगर उसका बाल भी बेकार कर, इसलिए ये गिरफ्तारी जो है वो आपको एक नया अजम देगी अगर ये कर सके तो, और उस अजम को लेके हम खान का पैगाम गली गली लेके जाएंगे, कूचे कूचे लेके जाएंगे,
एक एक जवान तक पहुंचाएंगे, एक एक बुजुर्ग तक पहुंचाएंगे, जो उसकी फिलोसफी से कायल नहीं है उन्हें भी कायल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि यही सीधा रास्ता है। आप हमारे बुजुर्ग होने के नाते तो शायद हमें इस गुलामी से आजाद न करा सके, अब अपने बच्चों को इजाजत दें कि हम इस गुलामी से आजाद हो सके। और इंशाल्लाह आप और मैं खान के इस ख्वाब की ताबीर जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे, वो आपके बगैर मुमकिन नहीं है। जो लोग आपके खामोश मुजाहिद घरों में बैठे हैं उनके बगैर भी मुमकिन नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ ये वादा लेना चाहता हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं ना, जरा हाथ खड़ा करे कौन सुन रहा, और जो नहीं सुन रहा है वो ना हाथ खड़ा करे। बाप मुझे ये बताए, क्या वादा करते हैं कि खान का ख्वाब पूरा करेंगे? खान के लिए जब भी कॉल होगी बाहर निकलेंगे, खान के लिए कुवतों से टकरा जाएंगे, खान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, खान के लिए अपने जानी माली इखलाकी तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे, खान के लिए लाहौर भी जाना पड़ा तो जाएंगे, जेल के घेराव करना पड़ा तो करेंगे, बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे, जो कुछ है उसको बाहर देंगे, मगर इस मुल्क की आजादी को यकीनी बनाएंगे, बनाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, खुदा आपकी खैर करे, आप और हम मिलकर ये ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। आप तमाम दोस्तों का, पीटीआई के टाइगर का, तरीके इंसाफ के मेम्बरान का, दोस्तों का, नए पुराने जो मेंबर्स हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम आपके शाना बचाना रहेंगे बरिश्ते साहब। शेख मुकद्दस जिंदाबाद, शेख मुकद्दस जिंदाबाद, शेख मुकद्दस जिंदाबाद। हमारी बहनें बेटियां यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा अहम हिस्सा है हमारी कम्युनिटी का, इनके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह, ये भी कोई यहाँ कल्चर भी नहीं है, इसके बावजूद ये हमारी बेटियां बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं खान के साथ यकजहती दिखाने के लिए। खुदा इनकी भी खैर करे और इनकी दुआओं से और इनकी हिम्मतों से, क्योंकि खवातीन का बराबर का रोल है, इंशाल्लाह ताला ये भी हमारे शाना बशाना होंगी और इंशाल्लाह ये किला खान के लिए आप सब फतह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।